नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजीव है और आप देख रहे हो फिल्मी ओपिनियन। आज हम बात करेंगे इरोज नाउ पे रिलीज हुई नई वेब सीरीज, जिसका नाम है 7 कदम। तो उसके बारे में उसका रिव्यू करेंगे आज हम इस वीडियो में। तो इसका देखिए, एक ट्रेलर रिव्यू मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल में मैंने पहले भी किया है, और मुझे जो सबसे पसंद आया था जब ये ट्रेलर रिलीज हुआ था कि ये फिल्म 2016 में बनी थी, जिसका डायरेक्टर जो है वो मोहित झा है, जो टेलीविजन के बहुत बड़े डायरेक्टर है और काफी सारा टीवी सीरियल जो है वो इससे पहले बना चुके हैं। हिटलर दीदी मुझे याद आ रहा है, तू आशिकी याद आ रहा है, तो ऐसे बहुत सारे टीवी सीरियल वो बना चुके थे। और उनका पहला फीचर फिल्म था ये, जो 2016 में बन चुकी थी, और जब अमित साध शायद उतने भी बड़े नाम नहीं थे जो आज के डेट में है। तो वहां से लेके कहानी जो है वो शुरू हुई थी, लेकिन कुछ कारण के लिए 5 साल रुक गया है ये फिल्म को रिलीज होते हुए। और जब ये रिलीज हुआ तो वो कैसे हुआ कि इरोज नाउ ने इसका जो है राइट्स लेके इसको रिलीज किया है अपना वेब ओटीटी प्लेटफॉर्म में, और उसको एक वेब सीरीज का आकार देके इसको 4-5 एपिसोड में उन्होंने बांट दिया है। तो बेसिकली यही है इस फिल्म की जो है, मतलब फिल्म की जो फॉर्चून है यही है। और इस फिल्म जो रिलीज हुई है, जो वेब सीरीज अब कहना चाहिए, तो ये जो रिलीज हुई है इसका सबसे मुझे पसंद, सबसे पहली जो चीज मुझे आई थी वो थे कि इसका नाम जो 7 कदम। एक्चुअली देखिए, हम लोग 7 फेरे के नाम से जानते हैं, ठीक है। हम लोगों ने बहुत बॉलीवुड गाना सुना है जहां 4 कदम की बात किया जाता है, लेकिन ये 7 कदम एक्चुअली चीज है क्या? तो ये बेसिकली एक, आप अगर फुटबॉल के फैन हो, अगर आप कोई भी तरीका का फुटबॉल देखते हो, वो नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, कुछ भी हो, तो पेनल्टी किक मारने से पहले जो प्लेयर होता है, जो स्ट्राइकर होता है, उसको 7 कदम चलना पड़ता है, उसको 7 कदम पीछे जाना पड़ता है पहले, और 7 कदम दौड़ के आके उनको पेनल्टी किक जो है वो मारना पड़ता है। तो बेसिकली आप इससे समझ सकते हो कि ये एक स्पोर्ट्स ड्रामा है, और सच बोलिए तो एक, मतलब इमोशनल रोलर कोस्टर है मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे मतलब बाप और बेटे का जो रिलेशन है, उसके परिवार के साथ बेटे का जो रिलेशन है, उस रिलेशन को बहुत अच्छी तरीके से इसको दिखाया गया है, ठीक है। तो इस, ये जो कहानी है बेसिकली आसानसोल सिटी से आता है, और आसानसोल सिटी में एक आसानसोल 11 बोल के एक टीम है, जिस टीम का कोच बनते हैं इस फिल्म के जो, और एक मुख्य किरदार जो है रोनित रॉय, और रोनित रॉय उस फिल्म उस पर्टिकुलर टीम के कोच बनते हैं, और अमित साध जो है उनका लड़का है, और वो उसी टीम में एज ए स्ट्राइकर खेलता है। और देखिए, ये बहुत एक चर्चित प्रॉब्लम जो है, ये बंगाल में बहुत दिनों से ये चलता आ रहा है। कोई भी अच्छा, कोई भी प्लेयर जो उभर के आता है, कोई भी छोटा क्लब से अगर कोई प्लेयर अच्छा खेलना चालू करता है, तो कोलकाता में देयर आर जायंट्स, फुटबॉल जायंट्स, आप जानते हो कोलकाता को द मक्का ऑफ फुटबॉल सिटी बोला जाता है। तो वो जो जायंट्स जो टीम्स है, जैसे कि आप अभी आप जानते हो कि देयर आर मेनी टीम्स इन एक्चुअल, तो वो क्या करते हैं, वो प्लेयर को अच्छा कीमत देके, अच्छा प्राइस देके उसको ग्रैब कर लेते हैं। तो यही बेसिकली कहानी है, जहाँ पे उस लड़के को उसको बाप को छोड़ के आना पड़ता है वो कलकत्ता के बड़े टीम में खेलने के लिए। और यहाँ पे जो है वो इमोशनल एक, जो आप बोल सकते हो जो ड्रामा है, वो ड्रामा को क्रिएट किया गया। आखिर तक क्या होता है वो देखने के लिए आपको डेफिनेटली ये जो वेब सीरीज है इसको आपको देखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे बात करूंगा कुछ इसका अच्छी पॉइंट के ऊपर, और बात करूंगा कुछ खराब पॉइंट जो मुझे उतना भी खास नहीं लगा है। तो पहला पॉइंट जो मुझे अच्छा लगा है वो है, पहले की मैंने बता चुका है इसका जो टाइटल है वो मुझे अच्छा लगा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अच्छा लगा है वो है इसका एक्टिंग। यहाँ पे 2 मुख्य किरदार जो है, बाप और बेटे का, जो जो मेन रोल है, जिसमें आपको मतलब रोनित रॉय आप बोल सकते हो और या फिर अमित साध बोल सकते हो, पैरेलली अच्छा काम किया है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खास काम किया है इन दोनों ने। और दोनों में ही, दोनों का जो मतलब फ्रस्ट्रेशन है, रोनित रॉय एक वेटरन फुटबॉल प्लेयर है जिनको वो शोहरत मिल नहीं पाई जो वो डिजर्व करते थे, उनका पैर टूट गया, तो रोनित रॉय का जो पेन्स है उसको दिखाया गया। एट द सेम टाइम जो अमित साध जो है वो जो एस्पायरिंग फुटबॉलर है, जो ज़्यादा सपने देखते हैं अपना बाप से, लेकिन बाप को भी अच्छा रखना चाहता है, उनका जो पेन है, इसका जो मतलब एक बोल सकते हो जो दोनों में, जो मतलब दोनों में आपस में जो रंजिश है, उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से दिखाएगा। दोनों ने बढ़िया काम किया है, बहुत ही बढ़िया काम किया है। तो पहली बात जो है मुझे ये अच्छा लगा। दूसरा बात जो है इसका जो राइटिंग है, जो कहानी है, वो कहानी में इटसेल्फ दम है। देखिए, ये एकदम मेनस्ट्रीम फिल्म जैसे आपको दिखेंगी, और इसमें जो है आपको पूरा जो ड्रामा एंड इमोशन से भरपूर दिखेंगी आपको। यहाँ पे ना कोई आपको थ्रिलर या फिर ना कोई आपको ऐसा दूसरा जॉनर देखने को मिलेगा। तो एकदम आप बोल सकते हो जो फैमिली ड्रामा जो मूवीज होती हैं वैसा है, साथ में उसको स्पोर्ट्स को अटैच किया गया, लेकिन स्पोर्ट्स इसका सेकेंडरी पार्ट है, स्पोर्ट्स इसका मेन पार्ट नहीं है। कहानी जो है स्पोर्ट्स के ऊपर रिवॉल्व होती है, लेकिन स्पोर्ट्स आप इसको स्पोर्ट्स मूवी नहीं बोल सकते हो, ठीक है। तो वो जो चीज़ है वो मुझे अच्छा लगा, जो कहानी है वो काफ़ी अच्छा लगा, जो स्क्रीन प्ले है वो भी अच्छा लगा, क्योंकि वो भी थोड़ा टाइट है, मतलब
मतलब आपको 2 घंटे के अंदर में पूरा जो फिल्म जो है वो खत्म हो जाती है। लेकिन कुछ कुछ ऐसी चीजें भी है जो मुझे ठीक नहीं लगा, जैसे कि पहले मैं बोलना चाहूंगा द बीजीएम ऑफ दिस पर्टिकुलर फिल्म। आपको बीजीएम जब भी आप बैकग्राउंड म्यूजिक सुनोगे आपको ये बैकग्राउंड म्यूजिक कहीं कहीं पे चुराया हुआ आपको लगेगा, आपको लगेगा ये तो मैंने बहुत बार सुना है। कौन सा मूवी है शायद आपको याद नहीं आ पाएगा, या फिर कौन सा म्यूजिक वीडियो है आपको याद नहीं आ पाएगा, लेकिन आप तो ये जरूर सोचोगे कि ये म्यूजिक तो मैंने पहले कभी सोचा है। तो ये जो चीज है आप देखिए वो चुराया हुआ है या फिर उसका कॉपीराइट लेके उसको यूज किया गया अलग बात है, लेकिन उसमें नयापन जो है वो एकदम ही नहीं है। तो ये मुझे पहला जो है मुझे वीक पॉइंट इस पर्टिकुलर फिल्म का मुझे लगा। दूसरा सबसे बड़ा वीक पॉइंट जो मुझे लगा कि जो किरदार है वो आसानसोल से है, वेस्ट बंगाल से है, तो डेफिनेटली वो बंगाली है। लेकिन बंगाली कैरेक्टर का मतलब ही ऐसा नहीं होता है कि वो बंगाली कैरेक्टर जो है वो जो नाम प्रोनाउंस करना या फिर बात करने का जो तरीका है वो अलग हो जाता है, ऐसा नहीं है। देखिए मैं भी पर्सनली अगर आप बोलोगे तो मैं भी बंगाली हूँ, लेकिन हिंदी बोलने का एक जो तरीका होता है ये हमारे राष्ट्रभाषा है तो उसका तरीका अलग होता है। लेकिन यहाँ पर जो दिखाया गया बंगाली लोग है इसका मतलब ही वो बंगला कैसे बोलते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल सपना को सपना नहीं बोल के स्वप्ना बोलते हैं। तो ये एक्चुअल में ये नहीं है, ये एक परसेप्शन है, उसको मतलब वो परसेप्शन के ऊपर ही बेस करके पूरा फिल्म जो है उसको बनाया गया है। हर किरदार हर कैरेक्टर जो है, जैसे हम लोग क्या सच को क्या बोलते हैं, श्रुति, तो हम लोग श्रुति बोलते हैं, लेकिन वो लोग श्रुति को प्रोनाउंस करें श्रुति, माने दिस इज समथिंग विच इज वेरी रिडिकुलस। तो वो बार बार उसको यूज किया जा रहा है और हर कैरेक्टर वही कोशिश कर रहे हैं कि वो हिंदी को थोड़ा बंगालीनाइज्ड करके उसको बताए। और उसके चलते क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि डायलॉग राइटिंग भी इफेक्ट हो रहा है। कहाँ से, जैसे आपको कोई चीज जो है आप पूरा बंगाली में अगर बोल दे रहे हो वो हिंदी टोनालिटी के साथ, उसके बाद जो है आपको फिर से वो चीज हिंदी में दोहराना पड़ रहा है। तो ये रिपीटेटिव डायलॉग्स भी ये फिल्म की जो है एक बड़ा कमी आप बोल सकते हो। तो इसके अलावा दोस्तों और बाकी कुछ मुझे उतना खराब दिखा नहीं, कहीं कहीं पे थोड़ा थोड़ा जगह पे सीन्स जो है आपस में मैच नहीं करते। और एक जो है डायलॉग राइटिंग के बारे में बोल सकता हूँ कि एक टाइम था जब बंगाली मूवीज़ में हम लोग देखते थे या फिर कुछ कुछ हिंदी मूवीज़ में भी हमने देखा है, जो कैचिंग लाइन्स होते थे, मतलब मान लो कोई एक डायलॉग जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है, नेक्स्ट डायलॉग सीन अलग हो रहा है, तो नेक्स्ट डायलॉग जो है वहीं से शुरू हो रही है, तो इसको कैचिंग लाइंस बोला जाता था, जो मतलब आप स्टेज में बहुत ज़्यादा देखोगे तो वो कैचिंग लाइंस बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है। यहाँ पे एक डायलॉग जो ख़त्म हुआ है वो डायलॉग नेक्स्ट जो भी सीन है उस सीन में नेक्स्ट कोई है वो उसी डायलॉग से शुरू कर रहा है। तो ये बहुत पुराना एक प्रोसेस है, बहुत पुराना एक चीज़ है जो हमने बहुत ज़्यादा देखा है हमारे पुराने फिल्म में, तो वही चीज़ को दोहराया गया है। तो ये छोटा मोटा चीज़ छोड़ के बाकी आपको जो है 2 घंटा आप यहाँ पे आप हंसोगे, यहाँ पे आप रोओगे, यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत जो है वो फुटबॉल का एक्साइटमेंट भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये डेफिनेटली आप मस्ट वॉच है, आप इसको देख सकते हो, आपको अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं कुछ खराबी नहीं है इसमें। तो आप इसको देखो और देखने के बाद मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सा चीज़ इस पर्टिकुलर वेब सीरीज के बारे में अच्छा लगा है। अगर मेरा ये रिव्यू आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए, और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए सब्सक्रिप्शन का बटन जो है वो नीचे दिया है, उसको एक बार दबा दीजिए, बगल में एक बेल आइकन होगा उसको भी एक बार क्लिक कर दीजिए। तो मिलते हैं आपके साथ मेरा अगला कोई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।